चैप्टर 12 चैप्टर 12 का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। हाँ थर्मो और डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब हो गया यहां पर हीट और डायनेमिक मतलब हो गया ट्रांसफर, ट्रांसफॉर्मेशन। हीट का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। तो स्टडी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू अनदर फॉर्म, हमें जो पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट पढ़ना है अनदर फॉर्म में, दूसरी फॉर्म में। अगली बात समझना। इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होते हैं टू डिस्क्राइब अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, टू डिस्क्राइब अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। पहले थ्योरी है भाई, पूरा समझ लेना, उसके बाद फिर मैं बता ही दूंगा सब। पहले लिखवा दूं। टू डिस्क्राइब अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम है ना, वी यूज थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, वी यूज थर्मो डायनेमिक वेरिएबल। तो किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और एंट्रोपी एटसेट्रा, ये सारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। ब्लर हो रहा है तुम सबका, कर लो रिज्वाइन कर लो। अब करो चालू। ठीक है। टू डिस्क्राइब अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम वी यूज थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एटसेट्रा। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। अब आते हैं थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। थर्मो डायनेमिक इक्वेशन, तो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यहां पर पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स और आर जो है वो गैसेस कांस्टेंट, गैसेस कांस्टेंट, और गैसेस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। जूल पर मोल पर केल्विन, वो में क्या दिक्कत है? तो जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है भाई, जूल पर मोल पर केल्विन है ना। ये कुछ बातें थी, आगे देखें जरा। थर्मो डायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमारे पास एक होता है ओपन सिस्टम, जिसमें होता है एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मैटर, ऐसा सिस्टम जिसमें एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मैटर हो सकता है। दूसरा, क्यूरेटिव
closed system. Exchange of heat only, जिसमें केवल हीट एक्सचेंज हो सकती है, जिसमें केवल हीट एक्सचेंज हो सकती है. तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम. आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है देखना, नाइदर हीट नॉर मैटर एक्सचेंज. ना तो हीट एक्सचेंज होती, ना तो मैटर एक्सचेंज होता. तो ये तीन तरह के सिस्टम होते हैं और आपने केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ भी रखे होंगे. पेज नंबर 1, सीधे सीधे कराऊंगा भाई थ्योरी वाला पार्ट. चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लो इसको. हो गया. स्क्रीनशॉट ले लिया क्या भाई? एंट्रोपी मैं नहीं बता सकता वरुण भाई, एंट्रोपी इज द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री. जस्ट मैंने लिखा दिया है बस तुम्हें, बस एंट्रोपी केमिस्ट्री का पार्ट है, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा तुम्हें समय आने पर, या पढ़ा दिया होगा सर ने. विदाउट एंट्रोपी थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री की कंप्लीट ही नहीं होती. तो केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक में केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स में आपको एंट्रोपी, गिब्स, फ्री एनर्जी ये सब पढ़ा दिया होगा. कर दूं साफ? चलिए चलिए भाई. दूसरी बात, खुशी और शिवम लेट आते हो गए. खुशी उपाध्याय तो फिर चली गई, बड़ा बुरा हाल है. चलो भाई आगे बढ़ते हैं. अगला टॉपिक है सराउंडिंग. तो सराउंडिंग लिख सकता हूँ. अच्छा शिवम यार, वो डेस्कटॉप पे तुम आए तो थे और वो अल्फा नाम से था. अब अल्फा वाला यार मेरे को नहीं पता ना. अब इसमें क्या होता है ना, एक्चुअली में कई लोग ऐसे आ जाते हैं, मतलब हैकर, और वो फिर उल्टा सीधा बोल देते हैं, इसलिए मैंने उसको रिमूव कर दिया. समझ रहे हो मेरी बात? अगर तुम अपने नाम से करते तो मैं जरूर वो कर लेता. मैंने इसलिए क्या करा, क्योंकि वो क्या करते हैं ना, बैच में गालियां देना, उल्टा सीधा बोलना, ये सब करते हैं. इसलिए जो भी गलत उल्टे नाम से आता है उसे एक्सेप्ट नहीं करते. अच्छा शुभम पता नहीं था भाई मुझे, मेरे को पहले बता देता तो मैं कर लेता, है ना? करेक्ट सराउंडिंग. हाँ मधुसूदन ऐसे होता है भाई, हैकर उल्टा सीधा बोलते रहते हैं. तो ठीक है, एवरीथिंग अदर देन अ सिस्टम. पिछली क्लास में एक वो आ गया ऐसे, उसने कर लिया पता नहीं किस नाम से था और मैंने ध्यान नहीं दिया. उसमें बच्चे थे 12th वाले में, तो एक अब एक ही करके सेलेक्ट तो करता नहीं, पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ. वो बोल रहा हाय हेलो बोलो मुझे, मेरा नाम विनोद है. पता विनोद ही आ गया है. तो ऐसे ऐसे सीन होते रहते, इसलिए ना परसों गई थी ना सैटरडे का. एवरीथिंग अदर देन अ सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग. अनदर थिंग इज वॉल, थर्मोडायनेमिक वॉल. थर्मोडायनेमिक वॉल. अभी थर्मोडायनेमिक वॉल क्या होता है? थर्मोडायनेमिक वॉल होता है, इट सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग. तो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करने वाला कौन होता है हमारे पास? थर्मोडायनेमिक वॉल. सब चीजें एक्सप्लेन हो जाएगी, थोड़ा धीरे बस थोड़ा धीरज रखो, टेंशन मत लेना. एक होती है, ठीक है, एक होती है हमारे पास डायथर्मिक वॉल.
डायथर्मिक और कंडक्टिंग, वॉल, डायथर्मिक या कंडक्टिंग वॉल। एक होती है मेरे पास एडियाबेटिक, एडियाबेटिक और नॉन कंडक्टिंग वॉल। डायथर्मिक या कंडक्टिंग कौन सी होती है? विच अलाउ एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट को एक्सचेंज करने देती है। यहां पर डज नॉट अलाउ, तो ये जो होती है हमारे पास एडियाबेटिक वाली, वो हीट के एक्सचेंज को अलाउ नहीं करती, और जो डायथर्मिक या कंडक्टिंग होती है वो अलाउ कर देती है। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये मेरे पास कप है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, एक कप है, इस कप के अंदर ये मान लो चाय भरी हुई है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो जो चाय हो गई हमारे पास वो सिस्टम हुआ, ये जो कंटेनर की, ये है जो कंटेनर, ये हो गई इसकी वॉल्स, और बाकी सब कुछ क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। तो मान लो चाय का कप है, तो चाय के कप में जो हमारे पास चाय रखी हुई है वो हो गया हमारा सिस्टम, कंटेनर हो गया उसकी वॉल्स, और बाकी जो सारी चीजें हो गई सब सराउंडिंग में आ जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? जल्दी बोलो भाई। अनिक यार तुम लेट आयो आज भी है, पर कोई नहीं, अब तुम्हारी इच्छा है। देखो अनिक, मैं तो कह के परेशान हो गया भाई तुम लोगों को सबको, कि भाई बक्स दो मेरे को गैसेस। हमें जो यहाँ पढ़ना है गैसेस के बारे में, पर अनिक भाई देख लो, नुकसान तुम लोगों का ही होता है। देखो या तुम ऐसा सोचते हो कि यार ये तो छोटे मोटे टीचर हैं, के पास तो कम बच्चे हैं, तो यार तुम कम उसमें आते होगे मेरे को, ये भी तो दिक्कत है ना, इसलिए सीरियस नहीं लेते मेरी बातों को। गैसेस हमें पता है दो तरीके से पढ़ना है, एक पढ़ना है मैं आइडियल गैस मानकर, और एक रियल गैस तो सब होती है, सारी गैसेस रियल गैसेस है। हाँ केमिस्ट्री वाले तो तुम्हारे महान है, इस साल उनके पास थोड़े केमिस्ट्री के बच्चे हो गए तो दूसरों को समझ ही नहीं रहे, ये सीन है। एक टाइम ऐसा भी था पिछले साल तक जब मैंने 300-300 बच्चे 11th के पढ़ाए, 250-300 बच्चे ऑफलाइन में, तो हम तो फिर भी जमीन पर है, किसी का नुकसान नहीं करा है दूसरे सब्जेक्ट का, तो केमिस्ट्री वाले आज तो समझ ना रहे हैं। इस साल कुछ नहीं हुआ भाई, लॉकडाउन हो गया, और क्या हुआ, लॉकडाउन की वजह से बस मामला बिगड़ रखा है, और शुरुआत भी लेट करी फिर मैंने। पता नहीं क्या है, मैं मेरे पास किसी बच्चे की क्लास होती है ना, मान ले 10 बजे या किसी की क्लास होती है किसी भी डे में, तो मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता भाई, मैं तो कहता हूँ हाँ मधुसूदन हो जाएंगे भाई पक्का है। देख मैं तो ये एक बच्चा आता है मेरे पास, मान ले मैंने ऑफलाइन में हमेशा देखा एक बच्चे दो बच्चे आए, और जब मैंने पढ़ाने स्टार्ट करता हूँ वही पूरा बैच फुल करा देते हैं, चलता रहता है मेरे यहाँ। तो इस साल मेरा थोड़ा सा ऐसे ही रहा मामला, क्योंकि मेरे पास तो बच्चे से बच्चे आते हैं। आइडियल गैस क्या होती है, देखो पहली कंडीशन नो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, कोई इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन नहीं होता। दूसरा, गैस शुड ओबे आइडियल गैस लॉ, नो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, गैस शुड ओबे आइडियल गैस लॉ। और आ जाते हैं रियल गैस में there is intermolecular attraction,
इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है, दूसरा दूसरा कोई बात ही नहीं है, बस फिर तो यही है ना। अब इसमें एक बात बताना चाहूंगा तुमको नोट करके, हालांकि गैस के बारे में 13 चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर रियल गैस, ऐसा कहा जाता है, बिहेव एज आइडियल गैस। अब क्योंकि आइडियल गैस मानने से हमारे पास बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आने वाली होती है वो सब खत्म हो जाती है, इसलिए हम पहले बता दे कर लेते हैं, आइडियल मान लिया हमने गैस को। तो अब हमारे पास जो हमें जो स्टडी करना है एक्चुअली में वो हमें चाय को स्टडी नहीं करना, एक्चुअली हमें गैस को स्टडी करना है। तो अगर मैं आपसे बोलूं इस चैप्टर में सिस्टम कौन है, तो आप बोलोगे गैस, और वो भी कौन सी गैस, आइडियल गैस। आपसे कोई पूछे क्या कोई आइडियल गैस होती है, बोलना नहीं, तो फिर तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं ताकि हमारे पास आसान करा जा सके फिजिक्स को। अरे बस समझ में, व्हाट आर द कंडीशन फॉर आइडियल गैस, नो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, गैस शुड ओबे आइडियल गैस लॉ। एंड क्या कोई ऐसी कंडीशन है जब रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करे, हाँ बिल्कुल है, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। 13 चैप्टर में भी एक्सप्लेन कर दूं हर बात, अभी फिलहाल ऐसे याद रखो। तो हमें किसको, यहां पर हमारा सिस्टम कौन है, आइडियल गैस, यहां पर हमारा सिस्टम है आइडियल गैस। समझ में आ गई, जल्दी बोलो भी। तो यहां पर हमारा सिस्टम कौन है, आइडियल गैस। चलिए भाई पेज नंबर टू। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। तो ये कुछ बेसिक बातें थी जिन्हें आप लिखोगे फिर पढ़ोगे तो बहुत सारी बातें आगे सही रहेगी हमारे लिए। चलिए इसको साफ कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो जरा अगला टॉपिक है हमारे पास, और टॉपिक का नाम है थर्मल इक्विलिब्रियम। सुने होंगे इक्विलिब्रियम तो तुम लोग, इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम वर्ड सुना है कभी? सुना है ना तुमने? अनिक को तो पता ही होगा, अनिक इतना सारा पढ़ता है केमिस्ट्री। तो थर्मल इक्विलिब्रियम, तो थर्मल इक्विलिब्रियम होता है, अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ इट्स टेम्परेचर डज नॉट चेंज विद टाइम। यदि किसी सिस्टम का टेम्परेचर समय के साथ बदलना बंद हो गया तो इसका मतलब आप कहोगे वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। आगे बात समझ में, चलिए तो अब आते हैं यहां पर जीरोथ लॉ पे। जीरोथ लॉ, आई थिंक आर एच फॉलर करके साइंटिस्ट है, बाकी तुम स्पेलिंग देख लेना, फॉलर करके मेरे ख्याल से, फॉलर देख लेना भाई, एफ ओ एच ए क्या है, पर वो हमारा टॉपिक नहीं, टॉपिक ये है, आप देख लेना एक बार स्पेलिंग, आर एच फॉलर होगा या कुछ इस तरीके से साइंटिस्ट का नाम। उन्होंने एक जीरोथ लॉ दिया। जीरोथ लॉ के अंदर एक्चुअली हमें क्या पढ़ना है वो बताता हूँ, ध्यान से देखना। मान लीजिए मेरे पास दो सिस्टम है, अगर मैं बोल रहा हूँ दो सिस्टम है तो आपको पता होना चाहिए दो सिस्टम मतलब दो गैसेस, और दोनों गैसेस ये रही, एक ए गैस है और एक बी गैस है, और इनके बीच में जो वॉल है वो एडियाबेटिक है,
एडियाबेटिक। अगर सोच के देखो, अगर ये एडियाबेटिक वॉल है तो क्या ये इनके बीच में हीट का आदान प्रदान होने देगी? तो इनके बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं हो सकता। अगर इनके बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होगा तो इनका टेम्परेचर कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि दो बॉडीज का टेम्परेचर तभी सेम हो सकता है जब वो आदान प्रदान हीट करें। और एक समय ऐसा आएगा कि दोनों की हीट इक्वल हो गई, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा और हीट ट्रांसफर होना बंद हो जाएगा, पर इस सिस्टम में तो पॉसिबल नहीं है। अभी समझ में? तो जो जीरोथ लॉ कहता है, जीरोथ लॉ कहता है अगर दो सिस्टम है मेरे पास ए और बी विच आर सेपरेटेड बाई एडियाबेटिक वॉल, इफ दे आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, अगर मैं इनको कॉन्टेक्ट में रख लू तीसरे सिस्टम के साथ, मतलब थर्ड गैस के साथ, जिसका नाम हम कर देते हैं सी, एंड दिस इज सेपरेटेड बाई किससे, कंडक्टिंग वॉल, कंडक्टिंग वॉल। तो ये कहता है कि अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए और अगर बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए तो ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए, तो ए और बी वाली गैस भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, अर्थात इनका भी टेम्परेचर सेम हो जाएगा। ऐसी बात है वो तो यार, हीट यहां पर तीनों में आदान प्रदान चलता रहेगा। तो इट इज स्टेट दैट इफ टू इंडिपेंडेंट सिस्टम ए एंड बी, इफ टू इंडिपेंडेंट सिस्टम ए एंड बी सेपरेटेड बाई एडियाबेटिक वॉल, प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद अनदर सिस्टम सी सेपरेटेड बाई कंडक्टिंग वॉल, देन इफ A and C are in thermal equilibrium, then A and B are also in thermal equilibrium. अगर इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया, इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो गया तो ए और बी का भी टेम्परेचर सेम हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड, पेज नंबर कितना हो गया, 3। दिस इज कॉल्ड जीरोथ लॉ। इसके पीछे भी कहानी है जीरोथ लॉ के। एक्चुअली जो जीरोथ लॉ है वो फर्स्ट लॉ एंड थर्ड सेकेंड लॉ के बाद आया हुआ है। जीरोथ लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ के बाद आया हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो बात कही गई है वो रिलेटेड है टेम्परेचर से। अगर वो टेम्परेचर से रिलेटेड है, और टेम्परेचर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और जो फंडामेंटल है तो उसको पहले इज्जत मिलेगी। और क्योंकि फर्स्ट और सेकंड लॉ इससे पहले आ चुके थे, उनका नाम रख दिया गया था फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, है ना। तो क्या हुआ, फिर साइंटिस्ट लोगों ने सोचा यार इसको कहाँ रखा जाए, जबकि इसमें टेम्परेचर के बारे में बात हो रही है, तो इसको तो हमें पहले ही प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो इसलिए इसको क्या करा गया, फर्स्ट से पहले रखने के लिए इसको जीरोथ लॉ बोल दिया गया। जबकि जीरोथ लॉ की जो स्टेटमेंट है वो आफ्टर फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ आई हुई है। कहानी समझ में आ रही क्या? तो
ये स्पेशल नाम इसीलिए इसको मिला हुआ है जीरोथ लॉ, बिकॉज इसके अंदर हम टेम्परेचर के बारे में स्टडी करते हैं, और जबकि बाकी में हम लोग हीट और एंट्रोपी वगैरह ये इन सब के बारे में पढ़ते हैं भाई, यही कहानी होती है। क्या मैं साफ कर दूं इसको? जल्दी बोलो। ठीक है भाई, सेकंड अगला टॉपिक आता है और टॉपिक का नाम है थर्मोडायनेमिक वर्क। थर्मोडायनेमिक वर्क, अब थर्मोडायनेमिक वर्क क्या होता है वो सुनो। मान लो एक मेरे पास सिलेंडर है और इसमें ये पिस्टन लगा हुआ है विच इज फ्रिक्शनलेस, ये, और इसके अंदर जो एज अ सिस्टम ले रखा है वो हमने गैस को ले रखा है, गैस है इसके अंदर। जिस सिलेंडर के अंदर इस गैस को भरा गया है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल ए मान लीजिए। अब हुआ क्या, ये गैस एक्सपेंड कर रही है, मान लो अगर गैस एक्सपेंड करना चाहती है तो ये गैस इस पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का मारेगी। अगर गैस पिस्टन को ऊपर की तरफ धक्का मारेगी तो ये पिस्टन यहां चला गया, मान लीजिए कितना ऊपर चला गया, dx। किसने धक्का मारा? गैस ने। लेट dw इज वर्क बाय गैस टू डिस्प्लेस पिस्टन टू dx। पिस्टन को dx ऊपर खिसा दिया इसने, तो जो dw वर्क आया वो वर्क कितना आया, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट इनटू में dx, और f मतलब फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू एरिया पा। तो dw की जगह कितना हो गया, f की जगह pa और साथ में कितना dx, a मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और dx हो गई ये वाली हाइट, तो adx क्या हो गया, a इनटू dx हो गया dv, a इंटू dx कितना हो गया dv। तो dw बराबर कितना आ गया pdv, dw आ गया कितना pdv। दूसरी बात, यदि हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं v इनिशियल से लेकर v फाइनल, किसका pdv का, तो dw का इंटीग्रेशन आएगा w, p बाहर आ जाएगा, dv का इंटीग्रेशन v, v की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल। अगर v फाइनल माइनस v इनिशियल को देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, p डेल्टा v, तो वर्क का फॉर्मूला आ गया p डेल्टा v, और एक आ गया dw बराबर pdv, और एक आ गया p डेल्टा v। अब सोच के देखो, इफ गैस एक्सपेंड, यदि गैस एक्सपेंड होगी तो गैस तो तभी एक्सपेंड होगी जब इस पिस्टन को ऊपर धक्का मारेगी गैस, तो यहां पर इसको लिखा जाएगा वर्क बाय सिस्टम, वर्क बाय सिस्टम, क्योंकि गैस ने उसको धक्का मारा है, क्योंकि गैस ने इस पिस्टन को धक्का मारा है। तो अगर गैस एक्सपेंड होगी तो चेंज इन वॉल्यूम जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, इसलिए वर्क भी पॉजिटिव होगा। जबकि अगर गैस को कंप्रेस करोगे आप, इफ गैस कंप्रेस्ड, यदि आप गैस को कंप्रेस्ड करोगे इसका मतलब आप सिस्टम पर काम कर रहे हो, वर्क ऑन सिस्टम, वर्क ऑन सिस्टम, तो डेल्टा भी नेगेटिव आएगा, चेंज इन वॉल्यूम नेगेटिव आएगा, तो वर्क भी नेगेटिव आएगा। जबकि केमिस्ट्री में आप इसका उल्टे साइन पढ़ो, तो वर्क होने का दो मतलब है यहां पर, या तो गैस एक्सपेंड करेगी या तो हम गैस को दबाएंगे। गैस अपने आप एक्सपेंड कर रही है तो वर्क डन बाय द गैस,
अगर हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे द्वारा गैस पर कोई फोर्स लगा के उसको दबाया जा रहा है। बात समझ में आ गई क्या? बोलिए भाई। पेज नंबर 4। हो गया भाई। चलिए साफ कर दूं इसको। चलिए भाई कर देता हूँ इसको। ठीक है भाई, टॉपिक है हमारे पास हीट। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लो। लिखेंगे हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which transfer from one body to another due to temperature difference. So heat is the form of energy which transfer from one body to another due to temperature difference. हीट वो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। इसमें आपको याद क्या रखना है, अगर हम हीट दे रहे हैं, हीट गिवन टू अ सिस्टम, यदि हम किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो डेल्टा क्यू लिखा जाएगा पॉजिटिव। दूसरा, अगर हीट रिलीज हो रही है, रिलीज फ्रॉम सिस्टम, तो आप डेल्टा क्यू लिखेंगे नेगेटिव। तो अगर हम किसी को हीट दे रहे हैं तो डेल्टा क्यू अर्थात चेंज इन हीट पॉजिटिव, और अगर हीट रिलीज हो रही है तो चेंज इन हीट नेगेटिव। कितना, चलो एक बार डिस्कनेक्ट होके दोबारा कनेक्ट हो जाओ तभी टॉपिक खींचूंगा। ठीक है, दोबारा कनेक्ट हो जाओ।